तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। और इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप देखेंगे कि लेफ़्ट में आपको यहाँ पर ये डिवाइसेस का टूल बार मिल रहा है, तो आपको नॉर्मली इस डिवाइस के टूल बार पर क्लिक करना है। और इसको मैं एक बार नीचे कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी दैट। और आप देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो गया आपका मोबाइल जैसे लुक में, जो आपका इतना बड़ा सा इंटरफेस अभी आपको दिखाई दे रहा था वेब वाला, वेब इंटरफेस वाला, वो अब यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है और ये नॉर्मली बन चुका है एक छोटे से मोबाइल इंटरफेस की तरह। बट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पर चलते हैं प्रोफाइल के ऊपर, और प्रोफाइल के जाने के बाद भी मैं देख रहा हूं कि यहां पर मुझे वो छोटा सा प्लस सिंबल नहीं दिख रहा है, जिसको यूज़ करके बेसिकली मैं जो है अपनी कोई भी पोस्ट लाइव कर सकता हूं यहां से। तो डेफिनेटली मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं इस पेज को एक बार फिर से रिफ़्रेश कर देता हूं। और जैसे ही आप इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे एंड दैट्स इट, देयर यू कैन सी दैट ये छोटा सा जो प्लस वाला ऑप्शन है यहां पर आपको दिख रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू नॉर्मली क्लिक ऑन दिस स्मॉल प्लस बटन। इस पर आप इस प्लस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है वो फाइल ब्राउजर खुल गया और यहां से आप कोई भी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप जो है अपने वेब प्लेटफॉर्म से, अपने लैपटॉप से भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। बट मैं आपको यही रिकमेंड